हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए जल्दी से शाबाश। बस हम सेशन स्टार्ट कर ही रहे हैं, तुरंत प्रभाव से आ जाइए जल्दी, लेट मत कीजिए बिल्कुल भी। रुखसार, विजय लांबा, अभिजीत गायकवाड़, आरती वर्ते, दीप्ति स्वास्थ्य, कौशल किशोर, मोहम्मद मोइनुद्दीन, भुवाना पाटिल। रुखसार, प्रीवियस स्टाइल में ही लेंगे सेशन, चिंता ना करो। एक्चुअली केवल कॉकरोच वाला जो पोर्शन है, आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली टू गो थ्रू एनसीईआरटी। जानबूझ के लिए एनसीईआरटी से पिक किया है क्योंकि इसकी किसी भी तरीके की अननेसेसरी डिटेलिंग की हमें जरूरत नहीं है। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन एनसीईआरटी। इट विल टेक हार्डली 3 और 4 लेक्चर्स। एक लेक्चर हो चुका, दूसरा आज है, 2 दिन में ये कंक्लूड हो जाना है। बाकी तो जो हमारा फ्री स्टाइल मोड है टीचिंग का, वो ये है, उसी तरीके से हम पढ़ाते हैं और उसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। सुबह के सेशंस आप ले ही रहे हो, बट प्रिसाइजली फॉर दिस कॉकरोच एंड टू सम एक्सटेंट फॉर एनिमल किंगडम, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो थ्रू स्ट्रिक्टली बाय एनसीईआरटी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चल रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल चिंता मत करो। ये तुम्हारा बैच अभी कल से स्टार्ट किया देखो हम लोगों ने, और आज जो जो चीजें कल पढ़ ली थी ना, आज थोड़ा सा एक क्विज का एक एलिमेंट रखेंगे छोटा सा। जो जो चीजें हमने कल पढ़ ली थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो तैयार रहें। ये देखिए कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं। इस वाले बैच में जो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं अभी तक, जो जो प्रकट नहीं हुए हैं, यहाँ जल्दी से प्रकट हो जाए। रोज दोपहर 1 बजे यहाँ मेरी क्लास होती है। जल्दी से जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं वो तुरंत प्रभाव से कर दें। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सारे के सारे बच्चे आना शुरू करें अनअकैडमी प्लस पे। जिन्होंने प्लस सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ये नर्चर बैच और ये स्पार्क बैच और ये सब चालू हुए ही हैं अभी। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जैसे 22 और 23 के तुम बच्चे हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स आप में से 22, 23 वाले ही होंगे जहां तक मैं सोचता हूँ। अब ये अगर प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस। ये जो फी आपको दिखाई दे रहा है 38,500 फॉर 1 ईयर, और इफेक्टिवली आता है 3,208 रुपीज पर मंथ। अगर आप इस वक्त ये सब्सक्रिप्शन लेंगे और आपने अगर ये कोड इस्तेमाल किया साथ में, एक तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाना है इफ यू आर गोइंग फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। 10 के साथ में 15% और मिल जाएगा, ये देखो अभी, और प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन। ये जो इफेक्टिव 3,200 है, दैट विल गो डाउन बिलो 2,500। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग ले रहे हैं तो 24 + 3 मंथ यानी 27 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 10 + 20% के स्कॉलरशिप पर। तो बिल्कुल भी देर मत करो। अमंगा फैमिली सर, सुबह का टाइम बता दीजिए। सुबह का टाइम 7 बजे है बेटा, प्रातःकालीन बेला में। जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, सूर्योदय से पहले उठ के अपना बिल्कुल नहा धो के तैयार हो जाया करो। 6:30, 6:45 बजे तक बिल्कुल रेडी, अपने टेबल के ऊपर नोट्स और कॉपी और ये पेन वगैरह सब साथ में लेकर के। ठीक 7 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चलो, ये फाइनेंसेस वगैरह के भी ऑप्शन है। जिन बच्चों को कुछ इश्यूज हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर दें जरा, तो अनअकैडमी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। कॉम्बैट में अपियर होना ही है सबको, और जरा इसको सारे बच्चे ज्वाइन कर लें जिन जिन ने अभी नहीं किया है। अभी हैंड रिटन नोट्स और बाकी सारी चीजें इसी चैनल पे आपको मिला करेंगी। सो स्टार्ट करें। आ जाओ भाई जल्दी से, शाबाश। स्ट्रक्चर और मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी एक बार मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ब्राउन ब्लैक बॉडीज वगैरह ठीक है। मॉर्फोलॉजी में कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, इस डायग्राम के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी। अब देखो, कल जो जो बच्चे क्लास में थे उन सबसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप सबको उन क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है? 4-5 एमसीक्यूज है इसमें, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा ये पता चले कि बिल्कुल प्रॉपर उसमें कौन कौन बैठे क्लास में, ठीक है? माउथ पार्ट्स वगैरह अभी आएंगे। चलिए, अभी मैं 5 MCQs आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। सारे के सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करके बैठें। संतोष बेटा स्पेशल क्लास में बताएंगे, रुको जरा, पहले जरा इधर ध्यान दो, शाबाश। क्वेश्चन पढ़ो, कल जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उन्हीं में से आएंगे। Which one of the following is absent in cockroach? Prothorax, mesothorax, cephalothorax, metathorax, mesothorax. शाबाश, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो जल्दी से बताने की। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्राची, मनीष, शिवांश, हर्षा, माधुरी। माधुरी क्या कर रहे हो बेटा? एक ही बार रिप्लाई करो, एक ही बार रिप्लाई करो, जिससे बाकी बच्चों के मैसेजेस भी पढ़ सकें। अभिजीत, शिवांश, इंद्र, आकृति, प्रथा, रुखसार। चलो, द करेक्ट आंसर इज सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स बेसिकली किस में होता है? कॉकरोच में नहीं होता है। जब हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं, हेड प्लस थोरैक्स, इनके फ्यूजन से क्या डेवलप होता है आपका? सेफेलोथोरैक्स। करेक्ट। तो ये कॉकरोच में नहीं होता है, ये किसमें मिलता है? स्पाइडर, स्कॉर्पियन एटसेट्रा, इन एनिमल्स में मिलता है। चलो, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच इज आर स्पॉन्जिंग, बाइटिंग एंड सकिंग, बाइटिंग एंड चूइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग। कल पढ़ा चुका हूं ये सारी बातें, तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से, केवल ये देखने के लिए कि कल के बैच में कौन कौन बच्चे थोड़ा सा ध्यान से चीजों को, जिन्होंने पढ़ा था उनको इनके आंसर्स पता होंगे। हाँ जी, अभिजीत, मनीष, विजय लांबा, आकृति किशोरी, रुखसार, अनिका, प्रथा, प्राची। गुड 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 गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। बाकी के माउथ पार्ट किसमें मिलते हैं ये भी आपको बता देता हूं। इसमें तो आंसर थी नहीं है ही, कोई बात ही नहीं है। स्पॉन्जिंग टाइप किसमें मिलते हैं? हाउस फ्लाई में, ठीक है। और पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के किसमें मिलते हैं? फीमेल मॉस्किटो में। और बाइटिंग एंड, ये जो है ये कोई कैटेगरी नहीं। थर्ड पे आइए। दिव्या विश्वकर्मा कह रही है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैं कैसे एग्जाम दूंगी? उससे क्या फर्क पड़ता है? बाइलिंगुअल होता है ना बेटा आपका पेपर, तो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी इसका आंसर दीजिए। विंग्स कौन से सेगमेंट में नहीं मिलते? इन विच सेगमेंट विंग्स आर एब्सेंट? वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स वो रीजन है जिस पर कि विंग्स नहीं मिलते। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर विंग्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन हेड ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल कंडीशन? जब एम्ब्रियोनल कंडीशन होती है तो हेड में कितने सेगमेंट होते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। कल बताया था आपको कि हेड कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। मैंने इनफैक्ट एम्ब्रियो में कितने होते हैं, एडल्ट में कितने होते हैं, दोनों ही डिस्कस किए थे आपसे। सो ट्राई टू रेस्पॉन्ड। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन हेड ऑफ पेरीप्लैनेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल कंडीशन? शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द करेक्ट आंसर इज 6। एग्जैक्टली मैं तीनों के ही लिख देता हूं आपको। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये तीन हिस्से हैं। अभी पहले एम्ब्रियो में और एडल्ट में। नंबर ऑफ सेगमेंट हेड में एम्ब्रियो में होते हैं 6, एडल्ट में 1, थोरैक्स में दोनों में 3-3 ही रहेंगे, एब्डोमेन में एम्ब्रियो में होते हैं 11, एडल्ट में होते हैं 10। तो अभी जरा बात सुनिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एम्ब्रियो में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे? 20 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनल स्टेज। और एडल्ट में अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, द करेक्ट आंसर वुड बी 14। ठीक है ना, करेक्ट। चलो ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है, पर आंसर को जरा पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज रिगार्ड्स टू कॉकरोच? कॉकरोच के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मोनोशियस, फॉसोरियल, नॉक्टर्नल, सिलोमेट। ओमनिवोरस, नॉक्टर्नल, डायोसियस, कर्सोरियल। नॉक्टर्नल, कर्सोरियल, स्यूडोसिलोमेट एंड ओमनिवोरस। मोनोजेनेटिक, ओमनिवोरस, हीमोसिलोमेट एंड नॉक्टर्नल। काफी सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जरा कोशिश करो जल्दी से बताने की। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। काफी सारे बच्चों के सही है, काफी के गलत है। अभी सुनो बात ध्यान से, करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसमें? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओमनिवोरस का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कुछ भी खा सकते हैं। नॉक्टर्नल जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। डायोशियस का मतलब हो गया जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट हो। और कर्सोरियल का मतलब हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, यहां लिख देता हूं फास्ट रनर। अब कुछ बच्चों का ये सवाल उठेगा सर कॉकरोच को फास्ट रनर, फास्ट और तेज दौड़ने वाले तो चीते हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, ये सब तेज दौड़ते हैं। भाई कॉकरोच जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, इंसेक्टा से बिलोंग करता है, तो इंसेक्टा में और कौन से आते हैं जरा देखना। चींटियां हैं, मधुमक्खी है, मक्खियां हैं कि नहीं, बात समझ में? इन सबसे तो बहुत तेज दौड़ता है कॉकरोच, बहुत तेजी से। तो कॉकरोच के लिए कर्सोरियल टर्म बिल्कुल एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मोनोशियस दे रखा है, गलत हो गया। फॉसोरियल दे रखा है, गलत हो गया, जो बिल बना के रहते हैं। इसमें नॉक्टर्नल, कर्सोरियल ठीक है, स्यूडोसिलोमेट गलत हो गया, इसमें मोनोजेनेटिक गलत हो गया। तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माधुरी कह रही है नॉक्टर्नल, फिर से बता दीजिए। देखो बेटा ऐसा है, नॉक्टर्नल का मतलब जो रात के वक्त एक्टिव, दोज हु आर एक्टिव एट द टाइम ऑफ नाइट। क्लियर? शाबाश। तो ये कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए तुम लोगों को। अभी हम फॉरेक्स तक का सेगमेंट पढ़ चुके थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी हम एब्डोमेन का पोर्शन पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। जरा ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट भी करूंगा साथ साथ में। वेद प्रकाश सिंह कह रहे हैं सर मैं हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हूं, मुझे भी नीट की तैयारी करनी है, मैंने आज से स्टार्ट किया है, प्लीज हेल्प मी कि मैं कैसे करूं। यू स्टार्ट टेकिंग सेशंस, इन सेशंस को कंटिन्यू रखिए आप। प्लस पर आना चाहते हैं तो प्लस पर आ जाइए, अदरवाइज यूट्यूब से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हुआ है, पीछे क्या किया क्या नहीं किया, भूल जाइए उसकी। और मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी मीडियम से हैं कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं कि आप किसी रीजनल लैंग्वेज गुजराती मीडियम से हैं कि आप, जैसे साउथ में अगर हम जाएं तो तमिल या तेलुगु मीडियम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं सब्जेक्ट के, और आप एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं चीजों को, और एनालिटिकल एबिलिटीज के साथ आप क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं 2-3 चीजें तुमको बता दूं। देखो क्या होता है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो अमूमन हम क्या है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दिमाग में एक डॉट लेकर के चलते हैं कि भाई इस एग्जाम में 15 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं, 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स, द सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 1% और इवन लेस देन 1%। तो पहले ही दिन हम एक डिमोरलाइजेशन के उस प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं, डिमोरलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज नॉट लाइक दिस। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आई हैव बीन मेंटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नीट फॉर लास्ट 16 ईयर, मेरे को 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, और लगभग हर कैटेगरी के बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूं, न केवल बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके कलीग से, और बहुत बहुत लंबा मेरा एक्सपीरियंस है इसमें काउंसलिंग का। तो मैं अगर कुछ आपसे कह रहा हूं तो अपने पूरे के पूरे अनुभव के आधार पर, पूरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड बात तुमको बता। मेरे इतने लंबे टीचिंग कैरियर में न जाने कितनी ही बार ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या 12th तक जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल मीडियोकर टाइप का हुआ करता था, 60%, 67%, 70% के आसपास जो मार्क्स लेके आते थे, दे गॉट क्लियर द नीट, वो नीट क्लियर कर गए। और न जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि जो 80-90% अबव के स्टूडेंट्स थे स्टेट बोर्ड में, दे कुड नॉट गेट थ्रू, वो क्लियर नहीं कर। ज्यादातर आज भी जो मैक्सिमम लॉट जो बच्चों का सिलेक्शन जहां पर होता है वो सारे के सारे बच्चे उसी रेंज के होते हैं, मीडियम वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये बातें अच्छी तरीके से यूं मान लीजिए कि एक ब्रह्म वाक्य की तरह मान लो, इनको रामबाण औषधि की तरह, दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप अगर इंटेलिजेंट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आईक्यू बहुत अच्छा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप अपीयर हो रहे हैं तो उसमें दो ही चीजें मायने रखती हैं, दैट इज कंटिन्यूटी एंड कमिटमेंट। अगर आप रोज मेहनत कर सकते हैं डेली बेसिस पर बिना कंटिन्यूटी को ब्रेक किए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। आपने इससे पहले 50% स्कोर किया है कि 60 किया है कि 70 का, इमटेरियल बात। दूसरा कमिटमेंट, कमिटमेंट से ही कंटिन्यूटी मेंटेन करो। ये दो चीजें अगर आपके पास में, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये दो चीजें आपके पास में हैं तो पीछे का मामला बिल्कुल, आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, यू विल क्रैक इट, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट, मान के चलो। होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हमें डे टू डे खुद को बेहतर करना होता है पहले से। आज आप किस जगह खड़े हैं इस बात का कोई महत्व नहीं, इट इज टोटली इमटेरियल। टाइम टेबल वगैरह डिस्कस करेंगे, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं। एग्जैक्टली आप लोगों को करना क्या है, आपको 5000 सीट्स की जरूरत है क्या? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना मेडिकल कॉलेज में, या अकेले ही तुम 10 सीटों पर जाके कब्जा करने वाले हो, 20 सीट्स पे जाने? एक ही सीट चाहिए ना, यू नीड जस्ट वन सीट। एज्यूम कर लो, मान लो तुम तो कि तुम बिल्कुल जीरो पे हो, आज की तारीख में तुमको कुछ नहीं आता, 10th तक का बेसिक नॉलेज है तुमको, आज से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अपीयर हो रहे हो नीट 2022 के लिए, साल भर है, साल भर से ज्यादा ही मानोगे, अभी तो नीट 2021 भी नहीं है। अब डेली बेसिस पर आपको मेहनत करनी है और हर दिन आपको पहले से थोड़ा सा आगे चलना है, 2-3 कदम आगे चलना है। अगर आप टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आज मान लीजिए आप किसी टेस्ट में अपीयर हुए एंड विद नेगेटिव मार्किंग यू मैनेज्ड समहाउ टू स्कोर 40%, 40% मार्क्स आया। आप ही के साथ लॉट में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 90% मार्क्स आएंगे, जिनके 80 आएंगे, जिनके 70 आएंगे। आप डिमोरलाइज होंगे, नहीं हो। एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, लास्ट में एक फ्रेज दूंगा। आपको करना क्या है, इस टेस्ट में, आज जिस टेस्ट में आप अपीयर हो रहे हैं उसमें आप अगर 40% पर हैं तो आप दुनिया में क्या हो रहा है उसको भूल जाइए। कोई 90% स्कोर कर रहा है, कोई 100% स्कोर कर रहा है, करने दो, जिसको जो कर रहा है करने दो। तुमको क्या करना है, तुमको अपने लिए एक अचीवेबल टारगेट फिक्स करना है कि भाई अगले टेस्ट में 7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब भी वो टेस्ट हो रहा है उसमें मुझे थोड़ा सा जंप लेना है, इतना कि मैं आसानी से ले लूं एक चीज, और जिसको मैं कवर कर लूं तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। अब तुम ये करके बैठ गए 40% है कि अगले टेस्ट में 90% लेके आएंगे, कुछ नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। पिक अप द टारगेट्स व्हिच आर अचीवेबल एंड आफ्टर अचीविंग देम यू फील कॉन्फिडेंट। तो मान लो कि तुमने पिक कर लिया, आज के टेस्ट में तुम्हारे 40% अचीवेबल टारगेट ले लिया कि मैं हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करूंगा अगले टेस्ट में। नॉट अ बिग टास्क, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करेंगे आप, 16 मार्क्स बढ़ गए। 16 मार्क्स बढ़ गए, 16 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, लगभग 2% मार्क्स आपने बढ़ा लिए, यही मतलब हुआ ना। यानी आपने दिमाग में फिक्स कर लिया कि मुझे तो हर टेस्ट में 2-3% का जंप लेना, इससे ज्यादा का नहीं। 2 से 3% का जंप लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अगले टेस्ट में आप 43 पर आए, फिर 46 पर आइए, फिर 49 पर आइए। रुकिए मत, इस प्रोसेस को रुकने नहीं देना। साल भर इस काम को कीजिए। अब साल भर में अगर आप लोगों ने 20 टेस्ट भी दिए, रिज्यूम करो 20 टेस्ट में भी अपियर हुए और सीक्वेंशियल प्रोग्रेस तुमने मेंटेन कर ली, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी भी चाहिए, उसमें कमिटमेंट भी चाहिए। एट द एंड ऑफ ईयर यू विल बी समवेयर अराउंड 85-90%। बोलो होगा कि नहीं? 2-3% का टारगेट अचीव कर सकते हो कि नहीं? लेकिन होता क्या है, तुम एक टेस्ट में करते हो, फिर उसके बाद बंक मार देते हो, 10-15 दिन के लिए गायब हो जाते हो। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं होता। और यहीं से तुम्हें एक और सूत्र मिलना चाहिए, एक और तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे। यू आर कॉम्पीटिंग विद योरसेल्फ। If you have the ability to compete with yourself on day-to-day basis, then you should opt for competitive exam. Otherwise not. आपका competition किसी से नहीं है। कोई 90% ला रहा है, 100% ला रहा है, उसे लाने दीजिए, उससे कंसर्न नहीं है आपका। आपका कंसर्न आपसे है कि आज आप 11th ऑफ जून को अगर 40% के पेडेस्टल पर खड़े हैं तो आप 11th ऑफ जुलाई को 45% पर होंगे या 50% पर होंगे। ये कमिटमेंट लेके चलें, छोटे छोटे टारगेट्स लें और उनको अचीव करें। उनको अचीव कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कोई भी टारगेट जब आप अचीव कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। हाँ, टारगेट ऐसा मत रखो कि ये बिल्कुल आसमानी टारगेट रख लिया, 40% पे है आज और हम 90% लेके आएंगे, नहीं, ऐसे नहीं। तो 2-3 चीजें, आपका इससे पहले का बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशनल, इट हार्डली मैटर्स। आप मेरिटोरियस रहे हैं, आप फर्स्ट डिविजनर रहे हैं, आप फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा नीचे रहे हैं, जो भी परसेंटेज में आपके ग्रेडिंग जिस भी तरीके से स्टेट बोर्ड में होती, इट इज ओके, डजेंट मैटर। आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा तो आईक्यू बहुत अच्छा तो नहीं है या मैं बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। 2 क्वालिटीज होनी चाहिए बस आप में, कंटिन्यूटी और कमिटमेंट, ये 2 चीजें होनी चाहिए। रोजाना पढ़ सकते हो, रोजाना मेहनत कर सकते हो और साल भर तक ये काम लगातार कर सकते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। और उसके बाद कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज यूपीएससी, वेदर इट इज एमपी, कुछ भी, कोई भी, सबका फंडा यही है, कोर कंसेप्ट यही है हर एग्जाम का, ठीक है ना। सो यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ। आपका कॉम्पिटिशन केवल अपने आप से है। रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर करते जाओ। एट द एंड ऑफ ईयर you will be among the tops. That is the formula. This is the funda. नहीं बेटा, कोई लेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। अभी मैं आतिया अंसारी सर प्लीज मुझे बताएं 2022 का सेशन। बेटा जितने भी सेशन है वो 22 के भी है, 23 के भी, आप समझिए भाई। अगर आप 22 में अपियर हो रहे हैं तो 11th 12th दोनों पढ़नी है, 23 में अपियर हो रहे हैं तो भी दोनों पढ़नी है। हाँ, 23 में अपियर हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 11th के टॉपिक पहले पढ़ लें, बाद में 12th के हैं। आज जो 22 में अपियर हो रहे हैं उनको तो सारा ही पढ़ना है, तो कोई इश्यू नहीं है, जो टॉपिक आए सामने पढ़ो उसको, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। पीयूष शेखावत कह रहे हैं व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ सेशन। आज आपने क्लास 5 बजे देखी। देखो मेरी 2 क्लास होती है डेली, एक प्रातःकाल सुबह सवेरे 7 बजे, ठीक है, और दूसरी शाम को 5 बजे। YouTube पर ये 2 सेशन होते हैं, अनअकैडमी प्लस पर एक सेशन होता है दोपहर 1 बजे, ठीक है। तो अब ये आज का जो मुझे तुमको कुछ चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। अभी हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं जरा एनसीईआरटी की तरफ। मैं केवल इस चैप्टर के लिए तुमसे ये कह रहा हूँ कि इसको एनसीईआरटी से पढ़ लो, बाकी तो जो फ्री फ्लोइंग हमारा स्टाइल है उससे हम पढ़ते ही हैं चीजों को। इस चैप्टर में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आता, तो इस वजह से जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे जरूर। The abdomen in both male and female consists of 10 segment। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि एब्डोमेन में एडल्ट में 10 सेगमेंट होते हैं, इसको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद 8th एंड 9th। ये डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तब समझ में आएगा, 1 मिनट रुक जाओ। इट फॉर्म्स अ ब्रॉड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। अभी जरा जल्दी से एक बार इसका डायग्राम बता दूंगा। क्या हो रहा है देखना क्या लिखा है, सेवंथ स्टर्ना। स्टर्ना किसको कहते हैं, कल वाला लेक्चर याद करो, बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर जो स्क्लेराइट। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, जस्ट अ मिनट, जल्दी से। फीमेल में क्या होता है देखिएगा जरा, सारे के सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अभी ये छठा सेगमेंट है, अब ये सातवां सेगमेंट जो है इसने इस तरीके का एक बोट शेप स्ट्रक्चर बना लिया। आठवां और नौवां इन्वेजिनेट कर गए एंड दिस इज लाइक दिस। ये आप मान के चले फीमेल कॉकरोच का लेटरल सेक्शनल व्यू दिखाई दे रहा है बॉडी के पिछले हिस्से से। अब जरा ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे क्या क्या चीजें हमने बना दी हैं। ये है सेवंथ स्टर्नम, ये एट्थ और ये नाइन्थ जो अंदर इन्वेजिनेट हो गए। इन्होंने एक पाउच बना दिया है पीछे की तरफ जिसे हम क्या कहें, जेनाइटल पाउच। और इसी जेनाइटल पाउच में यहां आगे की तरफ देखिए, ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, ये फीमेल गोनोपोर यहां पर ओपन हो रहा है। करेक्ट, सो दैट इज फीमेल। ये फीमेल कॉकरोच की बात चल रही है, केवल फीमेल में ही ऐसा होगा कि जेनाइटल पाउच बनेगा पीछे की तरफ और इस पर्टिकुलर शेप का बनेगा। समझ में आया कि नहीं। ये जो नीचे सेवंथ स्टर्नम जो है इसके मॉडिफिकेशन से क्या बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, इनको हम कहते हैं गाइनोवल्व्युलर प्लेट्स, गाइनोवल्व्युलर प्लेट्स। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो बेटा, जब तक मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आगे कैसे चला जाएगा, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। समझ में आ गया मामला या नहीं समझ में आया, मुझे केवल ये बताओ और जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे, रिस्पॉन्ड फास्ट, शाबाश। ये फीमेल कॉकरोच की बॉडी का पीछे वाला हिस्सा है, पहली चीज। और पीछे वाले हिस्से को भी हमने यूं काट दिया है, सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। सातवां, ये सातवां स्टर्नम है। स्टर्नम समझते हो ना, द स्क्लेराइट विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस, वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, गाइनोवल्व्युलर प्लेट्स में। एट्थ और नाइन्थ इन्वेजिनेट कर गए हैं, तो सातवें ने, आठवें ने, नौवें ने, तीनों ने मिलकर के एक पाउच बना लिया है, दैट इज जेनाइटल पाउच। इस पाउच में फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है और भी ग्लैंड्स के अपर्चर होते हैं जो आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अभी जरा वापस पीछे चलो। इन मेल, जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड वेंट्रली बाय द नाइन्थ स्टर्नम। मेल में भी जेनाइटल पाउच होता है, लेकिन मेल में केवल नौवें स्टर्नम के मॉडिफिकेशन से बनता है, नाइन्थ और टेंथ टर्गा एंड। यानी कि कहने का मतलब, अगर मैं मेल बनाऊं यहां पे, सुनो, मेल का स्ट्रक्चर अगर हम यहां बनाएं तो वो कैसा बनेगा देखना जरा। मेल कॉकरोच में ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। Genital pouch is a chamber lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by ninth and tenth terga and ventrally by the ninth sternum. अभी देखो, ये आपका सातवां, ये आठवां और अब ये नौवां स्टर्नम है, ठीक है। अब मेल में क्या हुआ देखना जरा, दिस इज नाइन्थ एंड दिस इज टेंथ, ये दोनों क्या है, टर्गम, और ये नौवां स्टर्नम है। इनके मॉडिफिकेशन से क्या बना, जेनाइटल पाउच, और इसमें गाइनोवल्व्युलर प्लेट्स नहीं बने हैं भाई, ध्यान रखना। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ मेल। तो मेल और फीमेल में पोस्टीरियर एंड में डिफरेंसेस समझ में आ गए सारे बच्चों को। विक्रम बिश्नोई कह रहे हैं रेटे मिराबिली क्या होता है। देखो रेटे मिराबिलिया क्या होता है सुन लो, वैसे तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस, बट रेटे का मतलब समझ लो। रेटे का मतलब होता है नेटवर्क, डेंस नेटवर्क, और रेटे मिराबिलिया का मतलब आर्टरी और वेन का क्लोजली पैक्ड नेटवर्क। ये जो क्लोजली पैक्ड नेटवर्क होता है आर्टरीज और वेन्स का, ये कई एनिमल्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, कहीं एक्सचेंज में हेल्प करता है, और कई जगहों पर थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद अ डेंस नेटवर्क व्हिच इज नोन एज रेटे मिराबिली। हाँ लेते हैं बेटा, टेस्ट वेस्ट सब लेते हैं। चलो अब आगे चलो। It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gynapophysis. चलो ठीक है आगे चलो। Male bear a pair of short thread-like anal styles which are absent in female. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि मेल को अगर पीछे से देखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, जस्ट अ मिनट, मेल और फीमेल कॉकरोच को अगर आप देखेंगे पीछे से, ये देखिए ये मेल कॉकरोच है मान के चलें, और ये फीमेल कॉकरोच है मान के चलें, तो मेल कॉकरोच में पीछे की तरफ इस तरह के दो कांटे के जैसे स्ट्रक्चर होंगे। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो मेल में ये जो कांटे के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एनल स्टाइल, and these anal style are completely absent in case of female, correct? In both sexes the tenth segment bears a pair of jointed filamentous structure known as anal cerci. चलो अब जरा यहाँ आ जाओ माउथ पार्ट्स की तरफ, हैव अ लुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस पर न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो जरा ध्यान दो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे। जिन जिन बच्चों ने अभी सेशन लाइक नहीं किया बेटा, जल्दी से सेशन लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो, शाबाश। कल मैंने आपको माउथ पार्ट पढ़ा दिए थे वैसे तो, ये लेब्रम, लेब्रम को और क्या कहते हैं भाई, कल ही समझाया था। लेब्रम इज ऑल्सो नोन एज अपर लिप, ये मैंडिबल है, मैंडिबल को हम और क्या कह सकते हैं, टीथ, ये दांत है। फिर इसके बाद देखो हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स को और क्या कह सकते हैं, टंग, ये लेबियम है, लेबियम को और क्या कह सकते हैं, लोअर लिप, और ये आपके मैक्सिलरी पैल्प। जो माउथ पार्ट्स कॉकरोच के होते हैं वो किस तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, करेक्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, दैट इज फाउंड इन केस ऑफ कॉकरोच। चलो अभी आगे चलें। अब जरा एलिमेंट्री कैनाल की तरफ आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का मैं पहले आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूं कि कॉकरोच का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली दिखाई कैसा देता है। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट, हैव अ लुक। देखिएगा जरा सारे बच्चे, ये कॉकरोच है, अभी मैं अपना खुद का डायग्राम बना रहा हूं, बुक का नहीं है, तो ध्यान से समझ लो जरा। ठीक है, ये इसके कंपाउंड आइज हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझा रहा हूं कॉकरोच का कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। हैव अ लुक। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में प्री ओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स और फिर ईसोफेगस। अब ईसोफेगस यहां एंटर कर रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस का पीछे वाला हिस्सा जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्रॉप। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा डार्क कलर से बनाऊं इसको। ईसोफेगस के पीछे वाले हिस्से में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, जिसे हमने क्या कहा? क्रॉप। क्रॉप के नीचे एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसे हमने कहा गिजार्ड। करेक्ट। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन का मतलब हो गया एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल के तीन हिस्से हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो ये मिडगट है। और फिर यहां से स्टार्ट होता है आपका हाइंडगट जो कि बाहर की तरफ खुलेगा। अब इसमें दो तीन चीजें समझिए। ये क्रॉप और गिजार्ड है, इन दोनों के जंक्शन पर यहां इस तरह के फिंगर लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं हेपेटिक सीका। करेक्ट। फिर मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर यहां 90 to 150 fine tubules are present which are known as Malpighian tubules। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां आपको दिखाई देगा रिसेप्टेकल ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, और इस रिसेप्टेकल के साथ साथ इसके ऊपर चिपके हुए ये सलाइवरी ग्लैंड्स। एक मिनट रुकिए। नाउ ये देखिए, ये कॉकरोच के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें कवर हो गए। अभी मैं एक बार लेबल किए देता हूं इसको, फिर उसके बाद इसके डिटेल्स बता। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक। ये पूरा का पूरा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है। मैं इसको लेबल करता हूं, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है रिजर्वॉयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड दिखाई दे रही है और ये सलाइवरी ग्लैंड है। करेक्ट। फिर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के नीचे क्रॉप, क्रॉप के नीचे गिजार्ड, गिजार्ड के नीचे ये जो पोर्शन दिख रहा है मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन के नीचे ये आखिरी हिस्सा हाइंडगट। और ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये क्या है? व्हाट आर दे? हेपेटिक सीका। और ये क्या है? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, जिनका काउंट होता है 90 से 150। अभी बोलो जरा, हाँ इसमें एलियन कॉलन रेक्टम भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? दिस इज द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। समझ में आ गया कि नहीं? पीयूष बेटा, आज दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है आज। हाँ बेटा, एक बार रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो। शाबाश। वेरी गुड। अब जरा इसके बारे में दो तीन चीजें, कौशल किशोर काहे का कंफ्यूजन है भाई तुमको? एलिमेंट्री कैनाल जो है कॉकरोच का, देखो एलिमेंट्री कैनाल के तीन हिस्से हैं, ध्यान से सुनिए। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, करेक्ट। अब ये जो फोरगट वाला हिस्सा है इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। मिडगट और हाइंडगट तो आपने देख लिया, सिंपल सिंपल सा मामला है। फोरगट में क्या क्या है? माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ये सारी चीजें फोरगट में है या मिडगट और हाइंडगट। अब आपको एक चीज और जो याद रखनी है वो क्या, कि कॉकरोच में ये जो क्रॉप वाला रीजन है that is meant for temporary storage of the food। और ये जो पोर्शन है गिजार्ड, इसको आर्नेरियम भी कहा जाता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ये फूड की ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे कहां से आएंगे बच्चों? किन किन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है अभी, सेशन लाइक करो जल्दी से और शेयर करो। डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से आएंगे? पिछला डायग्राम देखो जरा, मीजेंट्रॉन से भी आएंगे और हेपेटिक सीका से भी आएंगे। ये सब मिलकर के फूड को डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा मैं अगर पूछूं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, कौन बच्चा बताएगा इसका नाम मेरे को? ये जो कैविटी है कॉकरोच में, इस कैविटी का नाम क्या है जल्दी से बताओ जरा। शाबाश आदित्य। प्रोवेंट्रिकुलस को ही गिजार्ड कहते हैं। They are one and the same thing in cockroach। अभी मुझे बताओ ये क्या है, what is this, what is this, respond। महेंद्र चौधरी, ये बकल कैविटी है, ये बॉडी कैविटी है, इसे कहते हैं हीमोसील, ब्लड फिल्ड कैविटी। जाने कितनी ही बार पढ़ाया है तुमको। इट इज अ कैविटी फिल्ड विद ब्लड, ठीक है ना मनीष। ये शाइजोसीलोम नहीं है, ये हीमोसील है। शाइजोसीलोम तो इनका रेस्ट्रिक्टेड है अराउंड गोनेड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ रेस्ट्रिक्ट हो गया है ना। चलो शाबाश। चलो तो ये डाइजेशन का मामला हो गया। एक चीज आपको और याद रखनी है जिस पर कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, यहाँ हेपेटिक सीका दिख रहे हैं, ये मीजेंट्रॉन या मिडगट दिख रहा है या हाइंडगट दिख रहा है, यहाँ आपको मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हेपेटिक सीका दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर आपको सलाइवरी रिजर्वोयर दिखाई दे रहे हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, फेरिंक्स भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। अभी मुझे आपको एक चीज और बतानी है, वो ये कि अप टू गिजार्ड इनके अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। भाई कॉकरोच जो भी खाना खाता है दैट इज प्रीटी टफ एंड हार्ड, रिजिड। तो ये सारा सेगमेंट तो क्यूटिकल से लाइंड होता है एंड इंटरनली, मेसेंट्रॉन क्यूटिकल से लाइंड नहीं होता इंटरनली। तो जब बहुत ही रिजिड और हार्ड पोर्शन फूड के मेसेंट्रॉन में आएंगे तो वो मेसेंट्रॉन को अंदर से डैमेज कर सकते हैं। अगर वो मेसेंट्रॉन को अंदर से डैमेज कर देंगे तो फिर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जैसे ही खाना गिजार्ड से मेसेंट्रॉन की तरफ आता है, खाने के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सीक्रेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। इस पर कई बार सवाल पूछा गया है, याद कर लो। अभी दिखा रहे हैं, रुको एक मिनट। पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन, पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन किसके चारों तरफ सीक्रेट हो जाती है? अराउंड द फूड secreted around the food before it enters in mesenteron। तो ये mesenteron को प्रोटेक्ट करता है। कुल मिलाकर के बात ये, करेक्ट। चलो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब मैं जरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और बता दूं आपको कॉकरोच का। जल्दी से एक डायग्राम और बना रहा हूं, इसको भी समझ लो जिससे कि कल फिर इसको हम कंक्लूड कर पाए। हैव अ लुक। कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखिएगा। ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच के हार्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको। कॉकरोच का हार्ट होता है 13 चैम्बर्ड। इनकी बॉडी कैविटी के 3 चैम्बर होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये देखिए, ये परफोरेटेड है डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर। तो एक चैम्बर तो ऊपर की तरफ बनता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल चैम्बर, एक होता है पेरीविसरल चैम्बर, एक होता है पेरीन्यूरल चैम्बर। छोटे छोटे अपर्चर्स होते हैं। अभी जरा हार्ट बनाते हैं। तो इस वाले चैम्बर में हार्ट प्रेजेंट होता है, देखिएगा। ये देखो, ये 13 चैम्बर्ड हार्ट है और बाकी जितनी भी जगह है उसमें क्या भरा रहता है? हीमोलिम्ब। सो लेट मी लेबल इट, जस्ट अ मिनट। थर्टीन चैम्बर्ड हार्ट, दिस इज pericardial sinus, this is perineural sinus, and this is perivisceral sinus। ये 3 तरह के साइनस हैं। ये हेड साइनस है, करेक्ट बच्चों। अब इसमें कॉन्ट्रेक्शन पीछे से आगे की तरफ होगा, फ्रॉम बिहाइंड, और ब्लड जो होगा वो यहां से यहां आएगा फिर आगे की तरफ। मैं अगर इसका फ्लो बनाऊं आपके लिए, नॉट इरेजर बट हाईलाइटर, हाईलाइटर दिस वन। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ब्लड इस डायरेक्शन में आता है, देखिए। यहां से फिर ब्लड लौट के इन 2 डायरेक्शंस में चला गया और यहां से ब्लड वापस ऊपर की तरफ चला गया और यहां से ब्लड वापस ऊपर की तरफ चला गया। दैट इज हाउ इट फ्लोज। दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड जो कि मैंने यहां पर आपके लिए बनाया है। ब्लड इनका क्या कहलाता है? व्हाट इज द ब्लड? blood is known as hemolymph. It is colorless. No respiratory pigment. करेक्ट. ये समझ में आया कि नहीं मामला? जल्दी से बताओ. एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखाते हैं आपको. ये लीजिए एनसीईआरटी का ये डायग्राम है. इसमें आपको एक चीज याद रखनी है. ये तो हार्ट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 13 चैम्बर. लेकिन इन हार्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. इन पर सवाल पूछे जाते हैं. इनको हम कहते हैं एलैरी मसल्स. एलैरी मसल्स. एलैरी मसल्स का काउंट पूछा जाता है बच्चों. याद रखना सारे के सारे 12 पेयर. फैन शेप्ड मसल्स आपको दिखाई दे रहा है. इधर से एक ट्रायंगल, इधर से एक ट्रायंगल, इधर से एक ट्रायंगल, इधर से. ये सारे के सारे आपके एलरी मसल्स. ठीक. चलो तो अब ये पूरा का पूरा मामला हो गया आपका. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. अभी इसमें 2-3 चीजें और बची हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली कॉकरोच का. वो है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला सेगमेंट पूरा हो जाएगा. ये कौन है भाई? यश डागर. यश डागर, प्यारे बच्चे तुम कौन सी क्लास में हो? 11th में हो, 12th में हो या रिपीटर हो? पहले तो ये बताओ. उससे भी पहले मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम एक्चुअली बायोलॉजी के स्टूडेंट हो कि मैथमेटिक्स के कि कॉमर्स के कि ह्यूमैनिटीज के कौन से सब्जेक्ट के हो? क्योंकि जब ये अच्छे खासे डायग्राम यहाँ बने हुए हैं कॉकरोच, हम यहाँ साफ साफ बना हुआ दिख रहा है कॉकरोच, बावजूद उसके तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि कौन सा चैप्टर चल रहा है. अरे भाई ऐसे देखो, मेरी बात सुनो 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 सुनो. 12th में हो तो बेटा कॉकरोच पढ़ा नहीं क्या तुमने 11th में? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज कैसे सवाल पूछते हो तुम भी, हैं? चलो अब ठीक है, मैं अभी अपना सेशन कंक्लूड कर रहा हूं. मेरी बात सुनो, कल और परसों, कल और फिर मंडे को 2 दिनों में इसको चैप्टर को कंक्लूड करके फिर नया यूनिट स्टार्ट करेंगे हम. आप सब लोग कॉन्टिन्यूसली सेशन के साथ बने रहिए. नोट्स आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे. डीपीपी की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आपको रेगुलर लेवल पर मिलते रहें. सुबह 7 बजे का क्लास मिस नहीं करना है. दोपहर 1 बजे का प्लस का क्लास भी मिस नहीं करना है और शाम को 5 बजे का क्लास भी मिस नहीं करना है. तो बने रहिए साथ में. दैट इज ऑल फॉर टुडे. टाटा बाय बाय. चलिए लाइक कर देना भाई, जिसने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर देना. ठीक है, बाय.